कि सब बताते हैं कि बहुत बीमार रहता है. सब बताते हैं कि बहुत बीमार रहता है. क्या इस घर में भी कोई कलाकार रहता है? सब बताते हैं कि बहुत बीमार रहता है. क्या इस घर में भी कोई कलाकार रहता है? जहनियत के मामले में रंगीन मिजाज है. महिम भाई आपके लिए, जहनियत के मामले में रंगीन मिजाज है. लगता है यहाँ मेरा पटीदार रहता है. क्या बात है. और तबीयत जेब की नासाजी रहती है. शशांक शुक्ला, तबीयत जेब की नासाजी रहती है. नजरों से संगमरमर का खरीदार रहता है. वाह वाह, हर बार चाय हम ही पिलाते हैं तब भी हमको ये शेर नजर. और अपनी मिल्कियत पर बहुत नाज है इसको. सही बात, ये भी अपनी मिल्कियत पर बहुत नाज है इसको. शहर में खुशियों का जमींदार रहता है. और सब मिलते हैं उससे जैसे सब साथ हैं. तौसीफ भाई आपको नजर है कि सब मिलते हैं उससे जैसे सब साथ हैं. अकेले में वो सबसे होशियार रहता है. और बनने से पहले सब बिगाड़ देता है. बनने से पहले ही सब बिगाड़ देता है. आसमान में देखो कोई बहुत मक्कार रहता है. और ये सब बताते हैं कि बहुत बीमार रहता है. क्या बात है. क्या इस घर में भी कोई कलाकार रहता है? बहुत बढ़िया अंकुर भाई. अच्छा एक अगली गजल है और एक बार मिलके यूं गले लगाओ मुझे. एक बार मिलके यूं गले लगाओ मुझे. रात हो तो रात की तरह नजर आओ मुझे. एक बार मिलके यूं गले लगाओ मुझे. रात हो तो रात की तरह नजर आओ मुझे. और कोई गजल हो, गीत हो या नज्म कोई. कोई गजल हो, गीत हो या नज्म कोई. लबों पे सजा के यूं गुनगुनाओ मुझे. और मैंने तुम पर हंसते हुए जिंदगी लुटा दी. मैंने तुम पर हंसते हुए जिंदगी लुटा दी. मोहब्बत में तुम भी तो कभी रिझाओ मुझे. और कितने मौके सिर्फ दूसरों को दोगे. और कितने मौके सिर्फ दूसरों को दोगे. मेरा यकीन करो और आजमाओ मुझे. क्या बात है. और मैं सबके बिन जीना सीख गया हूँ. मैं सबके बिन जीना सीख गया हूँ. अब अपने बिन जीना सिखाओ मुझे. क्या बात है. और एक में तुम्हारा नाम है, एक में मेरी जिंदगी. एक में तुम्हारा नाम है, एक में मेरी जिंदगी. अपनी मुट्ठी खोलो और दिखाओ मुझे. एक बार मिलके यूं गले लगाओ मुझे. अच्छा है अंकुर भाई, अच्छा हो तो रात की तरह नजर आओ. बहुत अच्छा है. बस एक मतलब और दो शेर पढ़ूंगा. इरशाद, तुम बचपन से जवानी तक बर्बाद हुई हो. तुम बचपन से जवानी तक बर्बाद हुई हो. एक बात से कहानी तक बर्बाद हुई हो. और तुम मुझको नहीं जानती थी तो ठीक ही था. तुम मुझको नहीं जानती थी तो ठीक ही था. ना पहचान से दीवानी तक बर्बाद हुई हो. और मेरा होना तेरे ना होने के बराबर हो गया. मेरा होना तेरे ना होने के बराबर हो गया. बर्फ के टुकड़े से पानी तक बर्बाद हुई हो. और मैंने तुमको अपनी गजलों में पिरो कर देखा है. इसमें दो लफ्ज आएंगे, उला और सान. शेर में दो कपलेट होते हैं. पहले मिसरे को मिसराए उला कहते हैं और दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहते हैं. तो मेरा होना तेरे ना होने के बराबर हो गया. बर्फ के टुकड़े से पानी तक बर्बाद हुई हो. और मैंने तुमको अपनी गजलों में पिरो कर देखा है. तुम ऊला से सानी तक बर्बाद हुई हो. तुम बचपन से जवानी तक बर्बाद हुई हो. एक बात से कहानी तक बर्बाद हुई हो. बहुत शुक्रिया.